सो वेलकम बैक टू द न्यू कार मोटर व्लॉगिंग वीडियो गाइस। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो हूँ निकला हूँ अपनी कार मोटर व्लॉगिंग के लिए। तो आज मैं सोचा कि क्योंकि हमारी कार जो है दो दिन से खड़ी थी और आज संडे का दिन है, आप देख सकते हो संडे का दिन है और 17 जुलाई है आज। और मैं सोच रहा हूँ कि एक पहाड़ों वाली साइड का राउंड मार रहे हैं, तो मैं जम्मू वाली साइड जाने का सोच रहा हूँ और आपको मिनी गोवा भी घुमाएंगे हम। मिनी गोवा हमारे इधर एक मिनी गोवा करके जगह पड़ती है, वहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा लेक समझ लो क्या कह सकता हूँ, और उसके ऊपर जो है एक अपना रंजीत सागर डैम बना हुआ है ना। तो बस हम आपको घुमाएंगे और अब आप हमारी जो है कार राइड को इंजॉय करो और हमको थोड़ा ब्रेक मारनी पड़ेगी भाई, लेकिन अब हम निकाल लेते हैं स्पीड पिकअप करके कार की। ओके, इसको हमने कर लिया ओवरटेक और गाड़ी हमारी जो है 80-70 टच कर चुकी है। और जब ये छोटे छोटे नैरो पैच रोड रहते हैं इनके ऊपर हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि जो रोड है हमें उसे मतलब इफ़ यू कैन कंट्रोल योर व्हीकल देन ओनली पिक अप द स्पीड एट द हायर स्पीड, और इफ़ द रोड इज़ एम्प्टी अहेड ऑफ यू सो देन ओनली। क्योंकि वो देखो वो सामने गाड़ी वाला दिख रहा है, वो देखो मेरी लेन में देख रहे हो, दिखा सामने, तो यही वो सीन है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है कि एक छोटी सी रोड है, एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में लोग अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में घुसते हैं और वो देखो सेम चीज़ हो रही है सामने। तो आपको बस यही मेन चीज़ देखनी होती है कि क्या आपका जो रास्ता है वो क्लियर है, दिस इज़ द मेन थिंग। क्योंकि लोग हर एक को जल्दी है जल्दबाजी के चक्कर में एक दूसरे को ओवरटेक करने लगे होते हैं और ओवरटेक के चक्कर में फिर ठुक हो जाते हैं। सो बेसिकली फिर इसे ही यही वो मेन सीन है कि सेल्फ सेफ्टी के ऊपर तुम्हें फोकस करना है, ठीक है ना। जो सेल्फ सेफ्टी है तुम्हारी, तुम्हें उसके ऊपर फोकस करना है, जो मतलब तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे खुद के हाथ में है, और अगर तुम उस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, सीधी बात है। क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने तो वो नहीं सुधरने वाले, ये इंडिया है भाई, इंडिया में लोग नहीं सुधरने वाले, मतलब कभी नहीं सुधरने वाले। अब अगर जैसे मैं खुद की बात कर लूँ तो सेम है, मैं बीइंग एन इंडियन हम भी सेम ही कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि अब वीडियो बन रही है तो उस हिसाब से फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको मतलब जो है अगर जो भी सही चीज़ है वो आपको बताई जाए, समझ रहे हो। तो सही चीज़ जो बीइंग एन इंडियन और इंडिया को दिमाग में रखते हुए जो मेन सीन है वो यही है कि सेल्फ सेफ्टी, तुम्हें खुद की सुरक्षा खुद करनी होगी। और इससे भी आगे की बात ये कि जो रोड पर चल रहा है तुम्हें उसको भी खुद ही बचाना होगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तुम्हें ये अपने ब्रेन में रखना होगा कि तुम्हें खुद तो खुद को बचाना ही है, तुम्हें जो तुम्हारे आगे चल रहा है तुम्हें उसे भी सेव करना है। बात समझ में आ रही है व्हाट आई एम सेइंग? तो ये सारी चीज़ें तुमको रखनी होती हैं अपने ध्यान में, तो जहन में तुम्हें रखनी होती हैं सारी चीज़ें। चलो अब हम जो हैं अभी अभी आगे एक फाटक आने वाला है तो फौरन मार लो भाई, उड़ते उड़ते आ रहे हैं लोग, ये नहीं देखना इन्होंने कि क्योंकि लोग देखते नहीं है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस आते जाएंगे फिर एक मैस सी क्रिएट होगी और वो मैस बहुत बड़ी बन जाएगी। सो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए और ठीक ठाक रहने के लिए हमें ये मेक श्योर करना है कि वी शुड लाइक फॉर्म इन अ बेटर वे और वट एवर यू कैन टेक इट एज। तो फाटक बंद तो नहीं हो गया, तो ये जो फाटक है ये भी इसका भी बड़ा ख़तरनाक वाला सीन रहता है, जब बंद हो जाता फिर काम ख़राब हो जाता है। हाँ यार, एक तो बार बार हम गाड़ी की सीट पर एडजस्ट करते हैं ना, तो वो कभी कभी प्रॉपर एंगल अचीव हो जाता है और कभी कभी प्रॉपर एंगल अचीव होता ही नहीं। ओ भाई सब क्या हुआ था, लड़की किताबें अपने साथ लेकर चल रही है। ओके, तो अभी हम जो हैं यहाँ से लगे हैं। तो बेसिकली ये जो रोड है ये मैंने आपको, अगर आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी होंगी आपने मेरे को काफ़ी बार इस रोड पे देखा होगा, तो ये जो रोड है ये आगे जम्मू हाईवे पे टच कर जाती है, बोले तो शॉर्टकट, दिस इज़ द शॉर्टकट, ठीक है ना। ये हमारे टाउन से होती हुई जम्मू हाईवे को टच कर जाती है, तो
गाड़ी को दूसरे गियर पे डाल देते हैं, ये क्यों बार बार प्ले जा रहा खुद से जब मैंने इसको रोका हुआ है। आजकल सब कुछ अपनी मर्जी से चल रहा है, तो हमने फिर से कुछ गड़बड़ हो गई क्या जो खुद से प्ले हो जा रहा है, देखना पड़ना हमको। चलो भाई स्पीड उठाते हैं अब आगे, ये जो है आगे हमारे यहाँ पड़ती है, हमारे आगे पड़ जाना सुजानपुर, ठीक है ना। तो सुजानपुर ये रोड जो है सुजानपुर वाली, अब हम यहाँ से होते हुए आगे सुजानपुर का मेन मार्केट आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस मार्केट को हम करते हैं क्रॉस, और उसके बाद में फिर आगे से हम ले लेंगे अपना बोले तो राइट टर्न लेना होगा, क्योंकि जम्मू इस साइड पड़ता है, मतलब लेह लद्दाख कह लो आप, जम्मू क्या ही बोलना, लेह लद्दाख बोल लो। तो ये जो है ये सुजानपुर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी गलियाँ आएंगी अंदर को घुसते जाओ, इस साइड पूरा सुजानपुर है। तो ये बाहर से लास्ट रोड है ये जो शॉर्टकट जाता है, सो उतना आउटस्कर्ट से एक रोड निकल जाती है ये वो है। तो ये रोड मोस्टली दो चीज़ों के लिए प्रेफर करी जाती है, एक वो अपना टोल टैक्स से बचने के लिए, दूसरा शॉर्टकट है। इससे क्या होता है कि आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, समझ लो ना, जो आपका डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाता है। तो ओके अभी हम जो है निकलते हैं यहाँ से ध्यान से। अभी ये गाड़ी की जो है सर्विस करवाने है, सर्विस भी एक बार करवानी पड़नी है मुझे, सर्विस करवा लेंगे इसकी। पिछली बार तो 3,000 रुपया लग गया था मेरा, इस बार देखते हैं कितना लगता है। मोस्ट प्रोबेबली मारुति की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी सर्विस जो है उनके होते हैं 3,000 रुपये ही लगते हैं, है ना। मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4,000-5,000 रुपये लग जाता है, इससे ज़्यादा तो मैंने आज तक सुना नहीं। मतलब हैचबैक टाइप गाड़ियाँ जो रहती हैं ना तुम्हारी, सेडान होगी, इस तरह की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की गाड़ी की बात नहीं कर रहा एसयूवी की इस वक्त। तो भाई ये क्या करा हुआ इस बंदे ने, इसने ऐसे दरवाजा खोला जैसा वो देखो, बाइक वाले का भी अलग ही सीन है भाई, क्या ही कहने। देखा ये होता सब रोड के ऊपर, उसने देखा भी नहीं, बिना देखे बस बाइक इधर लेके आ रहा है, और यही वो सारी चीजें होती हैं भाई, लोग कहीं कहीं से भी निकल जाते हैं, कहीं कहीं से भी बाहर निकल आते हैं और फिर काम हो जाता है खराब। तो ये इस वक्त मेन मार्केट के अंदर मैंने एंट्री मार ली है, ये सुजानपुर का मेन मार्केट है, समझ रहे हो, दिस इज द मेन मार्केट ऑफ सुजानपुर। और यार अपने को लग रही है गर्मी कैबिन के अंदर, तो आज संडे का दिन है तो छोले भटूरे बन रहे हैं। थोड़ी फैन की स्पीड पिकअप करते हैं, चलो निकालो, बहुत ज्यादा ध्यान से यार करना पड़ता तो हो। ओहो भाई साहब क्या हो गया इस ट्राली वाले को, ये तो ऐसे चला रहा है जैसे आज जिसका लास्ट दिन हो। चलो अभी पिकअप करते हैं स्पीड, यार मैं डिपर मार रहा हूँ अपनी लेन में जाना, क्या है यार लोगों का भी अपना ही सीन है, मतलब कम से कम अपनी साइड पे तो रहो। आगे पीछे से स्टड आगे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है मेरे को ड्यूक वाला, ऐसे चला रहा भाई जैसे जन्नू में जाना है इसको। गाड़ी को दूसरे गियर पे डाल देते हैं भाई, जरूरी है दूसरे गियर पे डालना बात। क्या सीन है इनका, ये गए स्टड है।
लोगों का भी क्या ही सीन होता ना, जल्दबाजी सेटिस्फाई किया जा रहा है अपने बच्चे को कि ठीक है अभी हो गया। सो लेट गाइस, अब हम मिलते हैं आपको जम्मू हाईवे पे, ठीक है।